दोस्तों आपको बहुत जल्द मतलब कि 2-3 हफ्तों में ही IQ की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन IQ Z3 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी प्राइसिंग भी कम होने वाली है। दोस्तों IQ के बारे में आप जानते हैं, दोस्तों IQ वीवो का एक सब ब्रांड है और दोस्तों वीवो कैमरा फोन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों IQ Z3 5G स्मार्टफोन जिसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा और दोस्तों ये 120 हर्ट्ज का रेफ्रिजरेट सपोर्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम मेन चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट 768G का एक 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके OS की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है और दोस्तों बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ इसका कैमरा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको 55 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया जाएगा। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और इसकी वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसमें 6 GB, 128 GB, दूसरा 8 GB और 128 GB और तीसरा 8 GB और 256 GB। तो दोस्तों इनकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 6 GB प्लस 128 GB वाला वेरियंट आपको 18,000 रुपये में देखने को मिलेगा और दोस्तों 8 GB 128 GB वाला वेरियंट आपको 19,000 रुपये में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 8 GB प्लस 256 GB वाला वेरिएंट आपको 22,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वेरिएंट है चाइनीज़ मार्केट में इनका ये प्राइस है और दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हो गया है तब इसकी प्राइस ये है। लेकिन दोस्तों इंडिया में इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा रहे और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो स्मार्टफोन के लॉन्चिंग पर पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है और दोस्तों कैमरा भी बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ये IQ Z3 बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा अगर आप 20,000 के मिड रेंज सेगमेंट बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। और दोस्तों मेन बात यह है कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।